अभी भी पढ़ाई कर रही है। कल रात को तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई क्या? राशि बेन, वो अभी फिलहाल मैंने जो भी पढ़ा है मैं उसको दोहरा रही हूँ। अच्छा तो ठीक है। वैसे जब तू एग्जाम के लिए घर से निकलेगी ना, तब गाजर के हलवे से मैं तेरा मुंह मीठा कराऊंगी। अरे नहीं नहीं राशि बेन, इसकी क्या जरूरत है, आप परेशान मत होइए। तेरे ना कहने से क्या होता है, मैं अपने बहन के लिए क्या इतना नहीं कर सकती? और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी गाजर के हलवे का मैं तेरे कान्हा जी को भोग भी चढ़ाऊंगी। फिर देखना तू कितने अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाएगी। धन्यवाद राशि बेन। चल तू अच्छे से तैयार होके नीचे आ जा, मैं नीचे इंतजार करती हूँ। आप चलिए, मैं आती हूँ। राशि बेन, ऐसे नहीं करते। तो फिर कैसे करते हैं? मैं दिखाती हूँ। ऐसे करते हैं। हाँ, हो रहा है। अब गोपी, तो फिर तू ये कर, तब तक मैं इसमें घी गरम करती हूँ। शक्कर नहीं मिल रही है, जरा ढूंढ के देना। हाँ एक मिनट। राशि बेन, थैंक यू। राशि, अब जी आई, मैं अभी आई। मॉम, ऑफिस में थोड़ी जल्दी निकल रहा हूँ। अरे पर अहम, इतनी जल्दी क्या है, नाश्ता तो करके जा। मॉम, वो मेरी ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नाश्ता वहीं कर लूँगा। ठीक है, मैं जल्दी निकलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ गोपी वाओ? कृष्ण भगवान, ये कैसे हुआ गोपी वाओ? गोपी वाओ, तुम बाहर आओ। जिगर, दवाई का डिब्बा लेकर आना। आइया वो गोपी वाओ। ध्यान रखना चाहिए। जिगर जल्दी से देना। जी काकी, ये क्या हुआ? ये इतना सारा खून कैसे बह रहा है? हाथ कैसे कट गया तुम्हारा? काकी जी वो मैं गाजर कस रही थी तब मेरा हाथ फिसल गया। पर गाजर किसने की क्या जरूरत थी? मैंने मना किया था ना तुम्हें घर का काम नहीं करना है। काकी जी पहले वो गाजर मैं ही घिस रही थी, लेकिन फिर वो मुझसे ठीक से हो नहीं रहा था, तो इसीलिए गोपी ने मेरे हाथ से छीन लिया और फिर वो करने लगी। राशि, वैसे भी तुमसे कुछ ठीक से होता है क्या? लेकिन मॉम, ये इसका राइट हैंड है। अभी एग्जाम कैसे देखी? तुम्हें किसने कहा था कि तुम किचन में जाओ और जाकर सिली सी मिस्टेक करो? बोलो क्या करोगी? वो लेफ्ट हैंड से लिखोगी? अहम दिख रहा, शांत हो जाओ। गोपी दिकरा ने जानबूझकर थोड़ी ना किया है, कभी कभी ना चाहते हुए भी ये सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन पापा, ये सारी चीजें इसी के साथ क्यों होती हैं? सारी मेहनत बेकार चली गई। नहीं अहम दिख रहा, तुम्हारी या गोपी वहू की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। गोपी वहू परीक्षा जरूर देगी। लेकिन मॉम कैसे? इस हालत में 2.5 घंटे का एग्जाम देना क्या मुमकिन होगा? चलो, आधे घंटे की जुबानी परीक्षा तो हो जाएगी, लेकिन बाकी के 2 घंटे का क्या? ताजा ताजा घाव है, इतना खून बह चुका है, कैसे लिख पाएगी ये? अहम शांत हो जा और मेरी बात ध्यान से सुनो। गोपी वो नहीं लिख सकती है तो क्या हुआ, राशि लिखेगी। मैं कैसे? क्यों? तुम क्यों नहीं कर सकती हो? मेरी गोपी वहू हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तत्पर खड़ी रहती है, और खड़ी नहीं रहती बल्कि हमेशा तुम्हारी सहायता भी करती है। तो अब तुम्हें अपनी बहन की सहायता करनी चाहिए। हाँ काकी जी, लेकिन मतलब मैं इसके साथ चली जाऊंगी, लेकिन घर में कितने काम है वो कौन करेगा? और तो और घर में हमारी बाई भी नहीं। एक मिनट राशि, घर के कामों के बहाने मत करो तुम। वैसे भी तुम काम करो या ना करो, बात तो बराबर ही है, क्योंकि तुम्हें जो काम सौंपा जाता है वो आखिर में या तो मोटा भाभी को करना पड़ता है या मुझे। तो ठीक है, आज घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी। अब बोलो। लेकिन काकी जी, वो मुझे इसके पढ़ाई के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं वहां जाके क्या करूंगी? बिल्कुल सही कहा राशि तुमने। तुम्हें कहां कुछ मालूम ही होता है? नहीं, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें 2 कान तो दिए हैं ना, जो एकदम सही सलामत है, और तुम अच्छे से सुन भी सकती हो। तो बस आज की परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके जैसे जैसे गोपी वह उत्तर देगी, तुम वो ही उत्तर लिखोगी, और इस तरह से तुम अपनी बहन की सहायता करोगी। बराबर ने? हाँ, पर मैं तो वही लिखूंगी जो गोपी मुझे बताएगी। मैं खुद से कुछ नहीं लिखूंगी, क्योंकि वो तो चीटिंग होगी ना। तो तुम्हें चीटिंग करने के लिए कौन कह रहा है? कौन कह रहा है तुम्हें झूठ बोलने के लिए, गलत लिखने के लिए? राशि, सहायता के लिए तुम्हें जो हाथ उठाने चाहिए उसके लिए भी तुम 3-5 कर रही हो। जो मैं कह रही हूँ वो ही तुम करोगी। तुम गोपी वहू के लिए लिखोगी। ठीक है, मैं गोपी के साथ जाऊंगी। मैं बस जाके अपना पर्स ले आती हूँ। अरे हाँ राशि, याद रहे पर्चा ध्यान से लिखना। अगर जरा भी गलत हुआ ना तो समझी गए? मॉम, लेकिन इसके एग्जाम से पहले सारी प्रॉब्लम जाके प्रिंसिपल को बतानी पड़ेगी। चलो वो भी हो जाएगा।